सो हेलो गेम वीडियोस, कैसे हो आप सब? एक बार चलते हैं वीडियो। आज बताने जा रहा हूँ कि आप लोग आसानी से मैच कैसे जीत सकते हैं पोकेमॉन गो के अंदर। अब आप लोग को अच्छे से पोकेमॉन भी आना चाहिए और साथ साथ अच्छा सा टीम भी आना चाहिए। बेटा से वो सीपी वाला कर, हाँ अब सही है। अब सबसे अच्छा तो रहेगा आप कि आप लोग फाइटिंग टाइप पोकेमॉन ले लीजिए, खास करके माचम और का ये रहना चाहिए काउंटर और डायनामिक पंच। ये सबसे जल्दी जल्दी हो जाएगा। करीब करीब नॉर्मल जो बैटल रहता है तो उसमें कितना सेकंड कितना हिट लगेगा? 4 से 5 हिट में मेरे ख्याल से हो जाता है। और आप लोग को यहाँ पे दबाना है ना कि यहाँ पे दुश्मन के ऊपर, यहाँ पे दबाने में अच्छी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा तकनीक है। उसके बाद फिर आप लोग पावर ऑफ कर लीजिएगा तो पोकेमॉन को ज़्यादा सही रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर ये ले लीजिए। उसका फिर अगर आप लोग स्नोलैक्स है तो ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि स्नोलैक्स कोई कमजोरी नहीं रहता है। जी हाँ, स्नोलैक्स नहीं है, कमजोरी रहता है बस फाइटिंग टाइप को लीजिए, बस फाइटिंग टाइप। अब इसका बस और बस एसपी ज़्यादा है। और इसका अगर आप ये भी अच्छा सा कर देंगे तो फिर अलबा दुश्मन गया, ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। फिर आप लोग इवोल्यूशन भी ले सकते हो, बहुत अच्छा आइडिया रहेगा इसका। वेट इसके ट्रेनर बैटल, हाँ इसका ये वाला अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा। अपोनेंट ड्रॉप हमेशा अटैक करेगा तो अपोनेंट का अटैक ड्रॉप हो जाएगा। और क्या अच्छा है इसमें, और जल्दी जल्दी भर भी जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगा है। और अगर आप लोग कोई फेरी टाइप पोकेमॉन है, फेरी टाइप फॉर एग्जाम्पल नाइन टेल्स अलोन नाइन टेल्स से बात कर रहा हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया और ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन में से भी आता है। लेकिन इसका ये देखो, मेरा ये रहा नहीं था, मेरा था चार्मिंग नहीं था इसका, हाँ डेजलिंग लीम था। अटैक बहुत ज़्यादा समय लगाता था लेकिन अटैक अच्छा कर देता था। अब इसके नीचे तो आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। पेपरियन भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। फिर उसके बाद फिर वाटर गन और एक्वाटेल। अब बात करते हैं टीम के बारे में, तो फिर आप लोग ऐसा लीजिए कि तीनों अलग अलग टाइप का पोकेमॉन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाँ बग टाइप, स्टील टाइप, इसका कमजोर रहेगा फाइटिंग टाइप और एक और होता था फायर टाइप से सबसे ज़्यादा रहेगा। फाइटिंग टाइप का कमजोर हुआ कि साइकिक टाइप और वाटर टाइप रॉक हो गया। तो फिर ये सब पोकेमॉन ले लीजिएगा, जैसे कि ये ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा पोकेमॉन है विक्टिली, लेकिन ये हल्का सा अलग टाइप हुआ, मतलब मिथिकल पोकेमॉन है। मेरे ख्याल से वैसे लोग के पास होगा, वैसे लोग के पास नहीं होगा। ये भी अच्छा पोकेमॉन है, आप लोग जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं राइडोन की, राइडोन भी ले लीजिए, ये अच्छा अटैक रहेगा। इसके बाद आप लोग अटैक बदल लीजिएगा, इसका मैं अटैक नहीं जानता, कोशिश कर रहा अच्छा मैं कभी बता दूंगा। उसके बाद फिर एक पोकेमॉन हो गया ये। अब ये इसका कमजोरी होगा फाइटिंग टाइप हो गया ना। अगर सामने फाइटिंग टाइप आ गया तो साइकिक टाइप ले लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जाम ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा पोकेमॉन को। अब मैं इसका अटैक बदल लीजिएगा, साइको कट नहीं याद है। फायर पंच पता नहीं किस लिए करता है, लेकिन अब इसका अटैक बदल लीजिएगा। फिर ये हो गया एक टीम। फिर विनासॉर आप लोग रख लीजिए सबसे पहले, इसका फ्रेंजी प्लांट रख लीजिएगा, बहुत अच्छा अटैक है जिसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा बहुत जल्दी भर जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। फायर इसका कमजोरी हुआ फायर टाइप और पॉइजन टाइप पर है ना, ये पॉइजन टाइप का कमजोरी हो गया साइकिक टाइप और फायर टाइप हाँ ये दो। अब साइकिक टाइप और फायर टाइप का कमजोरी हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी वाला पोकेमॉन पेपरियन ले लीजिएगा। अब मेरा बहुत कम सीपी का पेपरियन है इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ ये वाला, ये माचैम्प साइड फेस्ट है। और उसके बाद फिर कभी मैं ये भी यूज़ कर लेता हूँ साइजर, कभी मैं रिया यानी कि क्या नाम था उसका, हाँ लेसियन, नहीं तो विनासॉरस, ये सब यूज़ कर लेता हूँ। अब ये रख लीजिए एक टीम में विनासॉर, फिर अलाइक जैम भी रख लीजिए ग्राउंड टेप, हाँ। और उसके बाद फिर
और भी बहुत सारा पोकेमोन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ग्लेशियर रख लीजिए, ग्लेशियर में बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। वेल बस यही था इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में हम मैं आप लोगों को हल्का सा गाइड भी किया कि कैसे आप लोग जीत सकते हैं। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।